सीएम पर खेरे के मितौल थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत खंडनगर के प्राथमिक विद्यालय पर फर्जी वोट डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। पोलिंग बूथ पर मौजूद पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। दोनों पक्षों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बताते चले, यह घटना उस समय हुई है जब राम सागर पाल पोलिंग बूथ के अंदर घुसे हुए थे, जिसको देखते ही पूर्व प्रधान अवधेश कुमार पप्पू ने विरोध जताया। उन्हीं के परिवार पर उल्टा जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें लाठीडंडों के दौरान दोनों पक्षों के लोग घायल हुए, जिसकी सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी दिग्विजय सिंह घटनास्थल पर, पीओ मितौली पंडित सिंह, थाना प्रभारी अनिल कुमार सैनी, भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहकर शांतिपूर्वक मतदान कराया गया। कौन सी ग्राम पंचायत? क्या यहाँ पर दबंगई चल रही है? क्या कोई फर्जी वोट पड़ रहा है? महेंद्र सिंह दरोगा जी लगे हुए हैं, जो विपक्षियों के रिश्तेदार हैं, और विपक्षियों के रिश्तेदारी के नाते वो उनसे जो है तालमेल बिठा के यहाँ फर्जी वोट डलाना चाह रहे हैं। हमारे लोगों को वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं और फर्जी जो है वोट डला रहे हैं। क्या समस्या है आपको? सर, हमारी पहले सबसे पहले हमारी भतीजी है विनोद की लड़की, उसको इन्होंने मारा है और वो आपके सामने है, देख लीजिए पूरा लचरी हो गई है। उसको नल का हाथ था जो है उससे वार किए हैं, वो चल नहीं पा रही, विकलांग हो गई है सर। इसलिए हम लोगों ने विरोध किया तो लातों ईंटों पत्थरों से भी, इनके पास में मकान है उससे जो मारे हैं, और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई हो रही है। ये तो ना इंसाफ भी है सर।